हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी वेस्ट बुनना सिखाऊंगी। इस बेबी वेस्ट को मैंने 1 ईयर के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग 1 साल के बच्चे के लिए बुनकर तैयार किया है। इसको मैंने 2 कलर में बुना है, एक तो ये लाइट कलर में, एक ये डार्क कलर में। दोनों ही कलर्स में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। इसको बनाने का प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा इजी है, तो चलिए कैसे हमें इसको बुनना है स्टार्ट करते हैं। इस बेबी वेस्ट के फ्रंट पार्ट्स को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 36 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो पहले हम यहाँ पे इस फ्रंट पार्ट को बुनेंगे। इसके लिए 36 फंदे, 36 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल 8 सलाइयाँ बुनेंगे, 8 रोज बुनेंगे। इन रोज को राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा, इसको तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हमें टोटल ये 8 सलाइयाँ कंप्लीट करनी है। 8 रोज मैंने सीधा सीधा दोनों साइड से बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। अब इस 9th रो में स्टार्टिंग के जो 12 फंदे हैं, 12 स्टिचेस हैं, उनको हम सीधा बुनेंगे। इनमें से जो पहला फंदा है इसको तो हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 11 फंदे हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। यहाँ तक ये 12 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर हम सेंटर में डिजाइन को डालने के लिए 12 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ तक 12 स्टिचेस, 12 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद इस साइड हमारे पास ये 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे हैं। इन फंदों को हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस 9th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इस 9th रो को बुन लेने के बाद अब हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे ये 10 स्टिचेस हैं, इनमें से फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 स्टिचेस को मैंने यहां तक सीधा बुन लिया है। अब ये वाला जो फंदा है जो हमने राइट साइड में उल्टा बुना था, ये यहां से सीधा नजर आएगा। इस फंदे को भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदे को सीधा बुन लेने के बाद अब ये हमारे सेंटर के 12 फंदे हैं जिनको राइट साइड में हमने सीधा बुना था, तो अब इन फंदों को हम धागा आगे लाकर उल्टा बुनेंगे। इन 12 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से ये फंदा सीधा नजर आ रहा है, तो धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारे 12 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर रॉन्ग साइड की इस 10th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने इस रॉन्ग साइड की 10th रो को बुना है, हर बार रॉन्ग साइड की रो को हमें इसी तरह से बुनना है। इसके बाद अब हम राइट साइड 11th रो पर आ जाएंगे। अब इस 11th रो में ये जो हमारे 12 फंदे हैं, ये वाले फंदे और इस साइड के 10 फंदे, इनको हम हर बार राइट साइड में सीधा ही बुनेंगे। फिर ये जो हमारे एक फंदा ये और एक फंदा ये, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे। ये जो 12 फंदे हैं सेंटर में, इन पर हम डिजाइन सेट करेंगे। इस तरह से ये हमारा डिजाइन इन 12 फंदों पर आएगा। 10-10 रोज का डिजाइन है, 10-10 सलाइयों का ये हमारा डिजाइन है। इन्हीं 10-10 सलाइयों को रिपीट करते हुए हमें इनको बुनना है। तो अब हम जब राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, तो इन फंदों पर डिजाइन की ये हमारी फर्स्ट रो होगी। तो अब हम यहाँ से राइट साइड 11th रो से बुनना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे ये 12 फंदे हैं, इनमें से पहला फंदा, इसको स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक हमारे ये 12 फंदे 12 स्टिचेस बुनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब सेंटर के जो हमारे ये 12 फंदे हैं, इन पे हमें यहाँ पे डिजाइन सेट करना है। इन 12 फंदों में से स्टार्टिंग के 4 फंदे, इनको हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है।
तो इनको ट्विस्ट देखिए हमें किस तरह से करना है। सिलाई को ऐसे हम पीछे से लेकर जाएंगे, स्टार्टिंग के ये दो फंदे छोड़कर नेक्स्ट दो फंदों में हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे ऐसे, और फिर स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर इस सिलाई में इन दोनों फंदों को ऐसे शिफ्ट करेंगे, फिर इन फंदों को शिफ्ट करेंगे। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से इन स्टार्टिंग के चार फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे नेक्स्ट आठ फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। इन आठ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इस साइड हमारे ये 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस 11th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो ये हमारी 11th रो है, बट जो हमने यहाँ पे 12 फंदों पर जिस तरह से इस रो को बुना है, ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। अब जो रॉन्ग साइड की रो है वो सेम एज इट इज हमें 10th रो की तरह बुनकर कंप्लीट करनी है। आगे भी जो रोज हम बुनेंगे 10th रो की तरह ही हमें बुननी है, तो वो हम देखें कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे ये 10 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर ये वाला जो फंदा है हमें सीधा नजर आ रहा है तो इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर नेक्स्ट ये जो 12 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। जैसे इन 12 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा हमें सीधा नजर आएगा, धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इस साइड के जो हमारे ये 12 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की रो हर बार हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब इस रो को हम बुन लेते हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे 10 फंदे हैं, इनमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। यहां तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये जो सीधा फंदा है इसको भी हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, सेंटर के ये 12 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। अब यहां तक इन 12 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये सीधा फंदा आ जाएगा, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इसके बाद यहां पे जो हमारे ये 12 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जिस तरह से रॉन्ग साइड की रो को हमने अभी बुना है, ऐसे ही हर बार रॉन्ग साइड की रो हमें बुननी है। इसके बाद हम राइट साइड 13th रो पर आ जाएंगे। स्टार्टिंग के जो 12 स्टिचेस हैं, 12 फंदे हैं, उनमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट 11 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक इन 12 फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे 12 स्टिचेस हैं इन पर हमें डिजाइन देके कैसे सेट करना है। स्टार्टिंग के इन दो फंदों को इकट्ठा एक साथ हम ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब यहाँ पे हमने दो फंदों का एक बनाया है तो एक फंदे की कमी हो गई है जिसको हम जाली के थ्रू पूरा करेंगे आगे, तो धागा हम आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे चार फंदे हैं, दो फंदे तो ये और इसके साथ वाले दो फंदे, इनको हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। तो अब हम यहाँ पे इन दो फंदों को तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट दो फंदों को इस तरह से सिलाई डालते हुए इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर पहले इन दोनों फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट कर देंगे। अब इनको हम सीधा बुनेंगे, तो धागा हम आगे लेकर आए थे दो फंदों का एक करने के बाद। जब इन चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे तो यहां पे हमारा एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा, फिर जो हमारे फंदे दो का एक होने से कम हो गया था एक फंदा, वो भी पूरा हो जाएगा। तो अब हम ऐसे हम चारों फंदों को सीधा बुनेंगे।
इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इस साइड के जो हमारे ये 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 13th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 14th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो हमें सेम एज इट इज 10th और 12th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर सेंटर के ये 12 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ये हमारे जो इस साइड के 12 फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की 14th रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 14th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 15th रो पर आ गए हैं। इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे ये 12 स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को यहां तक मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये 12 फंदे यहां तक बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर ये हमारा उल्टा फंदा है, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे 12 स्टिचेस हैं, इन पर इस रो में देखिए डिजाइन हम कैसे सेट करेंगे। इन 12 फंदों में से स्टार्टिंग के ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ हम लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये नेक्स्ट 4 फंदे हम ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनेंगे। तो अब देखिए इन 2 फंदों को तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2 फंदों में इस तरह से हम सिलाई को डालते हुए ऐसे पीछे ले जाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, इन फंदों को पहले इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इन फंदों को शिफ्ट करेंगे। अब धागा हम जो आगे लेकर आए थे, जब इन 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। जो हमने ये 2 फंदों का एक किया था, एक फंदे की कमी, फिर से हम जाली बनाकर पूरा कर देंगे। तो अब इन 4 फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इन 4 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ये 4 फंदे हैं, 4 स्टिचेस हैं, इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये हमारा उल्टा फंदा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इन 10 फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 10 फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की 15th रो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 16th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की 16th रो को सेम एज इट इज 10th, 12th और 14th रो की तरह ही हमें बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की 16th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 17th रो पर आ गए हैं। इस रो में स्टार्टिंग के ये जो 12 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। टोटल ये 12 फंदे हमारे यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे डिजाइन के 12 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 4 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। चार फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है। इसके लिए इन 2 फंदों को तो छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2 फंदों में इस तरह से सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर इस सिलाई में पहले इन 2 फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर ये धागा हमारा आगे है तो इन 4 फंदों को जैसे ही हम बुनेंगे फिर यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ जाएगा। तो ऐसे अब हम इन 4 फंदों को सीधा बुनेंगे।
इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ये दो फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद फिर ये हमारा उल्टा फंदा है, इसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इस साइड की जो हमारे ये 10 फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 17th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की 18th रो को सेम एज इट इज, जैसे हमने 10th, 12th, 14th, 16th रो बुनी थी, इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 18th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 19th रो पर आ गए हैं। इस रो में स्टार्टिंग के जो 12 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक इन 12 फंदों को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये हमारा उल्टा है, तो इसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे डिजाइन के 12 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 6 फंदे 6 स्टिचेस, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट इन 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है। इन 2 फंदों को तो हम छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट इन 2 फंदों में ऐसे सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इन 2 फंदों को, स्टार्टिंग के 2 फंदों को ऐसे निकालेंगे, इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को भी शिफ्ट कर देंगे। अब धागा हमारा आगे है, तो अब हम इन 4 फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे। इस तरह से यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, तो धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे 10 फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की ये 19th रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 20th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम एज इट इज वैसे ही बुनना है जैसे अभी तक हमने 10th, 12th, 14th, 16th और 18th रो को बुना है। रॉन्ग साइड की 20th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 21st रो पर आ जाएंगे। अब ये जो हमारे डिजाइन की 10 रोज थी, 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक जो हमने ये सलाइयां बुनी हैं, एज इट इज अब हमें इनको रिपीट करते हुए आगे बुनना है। तो अब हम यहां से जब 21st रो बुनेंगे तो इस पूरी रो को हम सेम एज इट इज 11th रो की तरह बुनेंगे। तो यहां पे इस रो में मैं डिजाइन को आपको रिपीट करके बताऊंगी। तो अब स्टार्टिंग के जो हमारे ये 12 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहां तक इन 12 फंदों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, तो धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें यहां पे डिजाइन की फर्स्ट रो रिपीट करनी है, जैसे हमने 11th रो में डिजाइन को यहां पे बुना था, ऐसे ही हम बुनेंगे। इन 12 फंदों में से स्टार्टिंग के 4 फंदे, इनको हमें यहां पे ट्विस्ट करना है। तो ऐसे सिलाई को पीछे से डालते हुए इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदों को निकाल देंगे, फिर इनको इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इनको शिफ्ट करेंगे। अब इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन 4 फंदों को तो हमने ट्विस्ट करके सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट 8 फंदे हैं डिजाइन के, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहां तक डिजाइन के इन फंदों को बुन लेने के बाद फिर ये फंदा उल्टा है, धागा आगे लाकर इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन 10 फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 21st रो
राइट साइड की बुन ली है, जैसे हमने 11th रो को बुना था सेम एज इट इज ऐसे ही इस रो को बुना है। तो अब हमने यहाँ पे डिजाइन की ये फर्स्ट रो रिपीट कर दी है 11 से लेकर 20 तक। जो हमने यहाँ पे रोज बुनी थी अब 21st से लेकर 30 तक हम इसी तरह से इन रोज को बुन लेंगे। तो ऐसे ही 10-10 सिलाइयों की डिजाइन को रिपीट करते हुए आगे बुन लेंगे। इस डिजाइन की 10-10 रोज को रिपीट करते हुए इस पार्ट को मैंने यहाँ तक बुन लिया है। 10 सिलाइयां ये मैंने आपको बुनकर बताई थी। इसके बाद 5 बार मैंने इस डिजाइन को रिपीट किया है। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहाँ तक टोटल ये 71 रोज 71 सिलाइयां मैंने बुन ली हैं। आप अगर ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो यहाँ तक इस पार्ट में आपको ये 35 नजर आएंगी। 35 ये उल्टी लाइन होंगी और ये एक उल्टी लाइन 2 सिलाइयों से मिलकर बनी है। तो 35 × 2 70 रोज यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर जब डिजाइन की 10 रोज में से फर्स्ट रो मैंने रिपीट की तो उस रो को यहाँ तक बुन लिया है, एक सिलाई यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर ली। इस तरह से ये 71 सिलाइयां यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें यहाँ पे 5 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं आर्म होल की कटिंग के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को इस तरह से पकड़ेंगे, इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाला फंदा इस तरह से पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरह से हम टोटल ये 5 फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे। फाइव स्टिचेस मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जैसे हम रॉन्ग साइड की रो बुनते आ रहे थे इस तरह से रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो में यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 फंदों को क्लोज करने के बाद यहां से लेकर यहां तक इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 31 रह गए हैं, 31 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद राइट साइड से जैसे हम ये डिजाइन के फंदों को बुनते आ रहे थे डिजाइन की रोज को इसी तरह से रिपीट करते हुए हम बुनेंगे। ये जो हमारे 10 स्टिचेस थे अब ये 5 रह गए हैं, तो इनको वैसे ही हमें सीधा बुनना है। अब हम यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 6 रोज 6 सिलाइयां बुन लेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इन फंदों पर शॉर्ट रो बुनेंगे। तो अब हम पहले डिजाइन के अकॉर्डिंग टोटली 6 रोज यहां से राइट साइड से काउंट करते हुए बुनकर कंप्लीट करेंगे। 6 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहां पे इस राइट साइड की रो में सिर्फ इन 12 फंदों को बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहाँ तक ये 12 फंदे हमारे बुनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इन फंदों को हम नहीं बुनेंगे, यहीं से इनको टर्न करके हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे, धागा ऐसे पहले हम पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर स्ट्रॉन्ग साइड की रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने ये शॉर्ट रो बुनी है ऐसे ही हमें 3 बार और शॉर्ट रोज देनी है। इसके पीछे पर्पस ये है कि जब हम यहाँ से ये बेबी वेस्ट का नेक वाला पार्ट इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ ये वाला पार्ट इजिली सेट हो जाएगा, यहाँ से वो खिंचेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से ये शॉर्ट रो बुन रहे हैं। एक बार मैंने अभी आपको ये बुनकर बताई है। फिर इसके बाद राइट साइड से अब हम यहाँ से सारे फंदों को बुनते हुए 4 सिलाइयां जब बुन लेंगे फिर जब राइट साइड पर आएंगे फिर से हमें इन्हीं 12 फंदों पर इसी तरह से एक शॉर्ट रो देनी है। फिर शॉर्ट रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे फिर हम 12 सिलाइयां बुन लेंगे यहां से लेकर यहां तक सारे फंदों पर डिजाइन के अकॉर्डिंग। फिर 12 सिलाइयां बुनने के बाद जब हम राइट साइड पर आएंगे
फिर से हमें यहाँ पे एक शॉर्ट रो इसी तरह से देनी है इन 12 फंदों पर। शॉर्ट रो को बुन लेने के बाद फिर से 12 सलाइयां बुन लेंगे सारे फंदों पर, फिर से एक शॉर्ट रो देनी है। तो टोटल ये 4 हमें शॉर्ट रो यहाँ पे देनी थी, जिनमें से एक बार तो मैंने आपको ये बुनकर बता दी है, 3 बार और हम बुनेंगे जिसमें 4 सलाइयां बुन लेने के बाद फिर से शॉर्ट रो देंगे, फिर 12 सलाइयां बुन लेने के बाद फिर से शॉर्ट रो देंगे, फिर से 12 सलाइयां बुन लेने के बाद फिर से ऐसे ही शॉर्ट रो देंगे, फिर आगे के पार्ट में हमें नॉर्मली आगे बुनते जाना है। तो इस तरह से अब हम इस डिजाइन की 10-10 रोज को रिपीट करते हुए और इन फंदों को सीधा बुनते हुए और जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे शॉर्ट रोज को देते हुए इस पार्ट को अब बुन लेते हैं। तो अब हम यहां से इस पार्ट को बुनना स्टार्ट करते हैं। यहां तक मैं आपको बुनकर बताऊंगी कि जब हम शॉर्ट रो देते हैं तो यहां से हमें कैसे बुनना है। तो स्टार्टिंग के ये जो 12 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन 12 फंदों में से फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट ये 10 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब ये जो हमारा इस पार्ट का फंदा है इन 12 फंदों में से, जब हम शॉर्ट रो बुनेंगे तो इसको हमें ऐसे बैक लूप से सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर यहां से लेकर यहां तक इन फंदों को डिजाइन के अकॉर्डिंग हम बुनेंगे, तो फिर हमें नॉर्मली बुनना है। तो इस तरह से अब हम आगे का ये पार्ट बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 10-10 सलाइयों की इस डिजाइन को रिपीट करते हुए मैंने इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक बार तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट रो बुनकर बताई थी, इसके बाद 3 बार और हमने यहाँ पे शॉर्ट रो बुनी है। तो अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ शॉर्ट रो बुनी थी तो आप ये देखेंगे क्लोज क्लोज इस तरह से ये 2 उल्टी लाइन नजर आएंगी यहां से। अब यहां ये शॉर्ट रो बुन लेने के बाद फिर से हमने 4 सलाइयां पूरे डिजाइन के अकॉर्डिंग बुन ली, फिर उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो ये एक उल्टी लाइन इस लाइन के साथ क्लोज हमें नजर आएगी। तो यहां पे हमने शॉर्ट रो बनाई है 4 सलाइयां कंप्लीट करने के बाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट 12 सलाइयां बुन लेने के बाद फिर से एक शॉर्ट रो यहां पे दी है, फिर नेक्स्ट 12 सलाइयां बुनने के बाद फिर से एक शॉर्ट रो यहां पे दी है, फिर इसके बाद आगे तक इस पार्ट को बुन लिया है। तो इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग करने के बाद से यहां पे इस पार्ट में टोटल 4 बार शॉर्ट रोज बुनी है। अब इस तरह से इस पार्ट को हमने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहां तक टोटल 110 रोज 110 सलाइयां हमने बुनकर कंप्लीट की हैं। जब आप इस साइड से ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो ये हमें 55 नजर आएंगी, 55 उल्टी लाइन नजर आएंगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक उल्टी लाइन 2 सलाइयों से मिलकर बनी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 55 × 2 110 रोज हमारे यहां तक कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहां से हम इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे यहां पे ये 12 फंदे हैं, इनमें से 11 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 11 फंदों में से जो हमारा पहला फंदा है इसको तो हम स्लिप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट 10 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 10 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस पार्ट के जो हमारे ये 12 फंदे थे, इनमें से टोटल यहां तक हमने 11 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद यहां से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर ये हमारा इस तरह से पार्ट सेट हो जाएगा। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद यहां हमारे ये 11 फंदे हैं, यहां से भी हम 11 फंदे इस तरह से ले लेंगे। अब हम थर्ड नीडल लेंगे, तीसरी सलाई लेंगे। अब इस तीसरी सलाई से हम यहां से एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो इस तरह से अब हम इसको बुनेंगे, एक फंदा हमने यहां से लिया, एक फंदा यहां से लिया, फिर इस तरह से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना दिया ऐसे। फिर से हम एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, फिर से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से हम ये यहां तक सारे फंदों का ऐसे एक एक दोनों सिलाई में से लेते हुए सीधा बुनते हुए एक करते जाएंगे।
इस तरह से हमने दोनों सलाइयों में से 11-11 फंदों को लेते हुए दो दो फंदों का एक कर दिया है। यहाँ तक इस पार्ट को बुन लेने के बाद अब हम आगे जो पार्ट बुनेंगे इसमें हम ये हमारे जितने भी फंदे हैं इनको सीधा ही बुनेंगे। तो ऐसे हम अब इनको सीधा बुन लेते हैं। इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास टोटल ये 20 स्टिचेस हैं, 20 फंदे हैं। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से हम यहां से लेकर यहां तक इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे और इस तरह से सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दिया है। अब ये वाला पार्ट हमारा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इस बेबी वेस्ट में हमने इस वाले पार्ट को बुन लिया है। अब हम दूसरे फ्रंट पार्ट को बुनेंगे। दूसरे फ्रंट पार्ट को भी हमें सेम ऐसे ही बुनना है जैसे हमने इस पार्ट को बुना है, लेकिन इसमें ये जो डिजाइन है देखिए यहाँ पे इस साइड ये जो डिजाइन है इसमें हमारी ये लाइंस यहाँ पे ऐसे जा रही हैं, लेकिन इस साइड ये हमारी दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए जो भी ये 10-10 सलाइयों का हम डिजाइन बुन रहे थे वो हमें यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बुनना है। अब स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इस पार्ट के लिए भी इसी तरह से 36 स्टिचेस कास्ट ऑन करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए पहले 8 सलाइयां कंप्लीट करनी है। फ्रंट साइड के दूसरे पार्ट को बुनने के लिए मैंने 36 स्टिचेस कास्ट ऑन करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 8 रोज कंप्लीट कर ली है। अब ये 8 सलाइयां बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम 9th रो से इस डिजाइन को डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। जैसे हमने ये पार्ट बुना था वैसे ही हमें बुनना है, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो 10 फंदे लास्ट में बुने थे लेकिन इस 9th रो में हम यहाँ पे इन 10 फंदों को स्टार्टिंग में बुनेंगे। पहले 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 12 फंदे सीधे बुनेंगे इस डिजाइन के लिए, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 12 फंदे रह जाएंगे इनको सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे इस डिजाइन को सेट करेंगे। अब 9th रो से यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो 10 फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है। इनमें से पहला फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 9 फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट ये 9 स्टिचेस मैंने सीधे बुन लिए हैं। यहां तक ये 10 फंदे हमारे बुनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब धागा हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब 12 स्टिचेस 12 फंदे सीधे बुनेंगे। इन 12 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इस साइड हमारे ये 12 फंदे बचे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 12 फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस 9th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ जाएंगे। अब इस रो को जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे बुनकर आपको बताऊंगी ऐसे ही हर रॉन्ग साइड की रो हमें बुननी है। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को 11 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक ये 12 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये हमें सीधा नजर आ रहा है जिसको हमने राइट साइड में उल्टा बुना था। अब इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो सेंटर में हमारे डिजाइन के फंदे हैं 12 फंदे जिनको राइट साइड से हमने सीधा बुना था, इन फंदों को हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है। इन 12 फंदों को हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट फंदा है ये हमें सीधा नजर आ रहा है तो धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद अब इस साइड हमारे पास ये 10 फंदे हैं, 10 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुनकर इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुन ली है। जैसे इस रॉन्ग साइड की 10th रो को अभी हमने बुना है इसी तरह से आगे कोई भी रो हम रॉन्ग साइड की बुनेंगे ऐसे ही हमें बुनकर कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम राइट साइड 11th रो पर आ जाएंगे। अब ये जो राइट साइड की रो है स्टार्टिंग में ये 10 फंदे इनको तो हम सीधा बुनेंगे जिसमें से पहला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे।
फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। यहाँ तक ये 10 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, इसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे ये जो डिजाइन के 12 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 8 फंदे 8 स्टिचेस इनको हम सीधा बुन लेंगे। स्टार्टिंग के ये 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये हमारे 4 फंदे जो बचे हैं इन 12 फंदों में से, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो इनको हम ट्विस्ट देखिए किस तरह से करेंगे। अब हम आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों को छोड़कर इन दो फंदों में ऐसे हमें इस सिलाई को डालना है, फिर इन दोनों फंदों को हम ऐसे निकाल देंगे, फिर इस सिलाई में पहले इन दोनों फंदों को हम शिफ्ट करेंगे और फिर ऐसे इन दोनों फंदों को भी शिफ्ट कर देंगे। अब हम इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इस साइड जो हमारे ये 12 फंदे हैं, इनमें से हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। सात फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे क्योंकि हमें यहां पे बटन होल देना है। धागा आगे लाकर अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। हमें यहाँ पे बटन होल बनाना था, इसलिए इन 12 फंदों को हमने ऐसे बुना है। आगे जब भी हमें बटन होल बनाना होगा हमें इसी तरह से इन 12 फंदों को बुनना है। इसके अलावा कोई भी रो अगर हम बुनेंगे तो इन 12 फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। अब इस 11th रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम एज इट इज 10th रो की तरह बुनकर कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग के ये जो हमारे 12 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहां तक इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर ये सीधा फंदा है इसको भी हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर ये सेंटर के 12 फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे, फिर हमारा ये सीधा फंदा आ जाएगा, धागा पीछे ले जाकर इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर इस साइड के जो हमारे ये 10 फंदे हैं इनको भी सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 12th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 13th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे ये 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे हैं, इनमें से फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक हमारे ये 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे ये डिजाइन के जो 12 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 6 स्टिचेस 6 फंदे हम सीधा बुनेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये नेक्स्ट 4 फंदे हैं, इनको हमें ट्विस्ट करना है। अब इनको ट्विस्ट करने के लिए इन दो फंदों को तो हम छोड़ देंगे, ये वाले जो दो फंदे हैं इनको हम आगे से ऐसे सिलाई डालते हुए इस तरह से लेंगे, फिर इन दो फंदों को हम ऐसे निकाल देंगे, फिर पहले इस सिलाई में इन दोनों फंदों को हम शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट कर देंगे ऐसे। अब हम इन चारों फंदों को जो हमने ट्विस्ट किए हैं सीधा बुनेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये जो हमारे दो फंदे हैं इनको इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो फंदों का हम एक बना देंगे। तो जो हमने दो फंदों का एक बनाया है, धागा आगे लाकर जाली से हमने
इस फंदे को यहाँ पे बढ़ा दिया है। इस तरह से हमने यहाँ इन 12 फंदों को बुन लिया है। फिर नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इस साइड के जो हमारे ये 12 फंदे हैं, 12 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर इस राइट साइड की 13th रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 14th रो पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की इस रो को सेम एज इट इज वैसे ही हमें बुनकर कंप्लीट करना है जैसे हमने 10th और 12th रो को बुना था। जो भी हम यहाँ पे ये जाली से फंदा बढ़ा रहे हैं इसको भी हमें उल्टा बुनना है इन फंदों के साथ। तो अब हम इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस 14th रो को मैंने सेम एज इट इज 10th और 12th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 15th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे ये 10 फंदे हैं इनमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक ये 10 फंदे बुनकर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, धागा आगे लाकर इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे ये जो डिजाइन के 12 फंदे हैं इनमें से स्टार्टिंग के 4 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। 4 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो ये 4 फंदे हैं, 2 फंदे ये 2 फंदे ये, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो इसके लिए इन 2 फंदों में ऐसे आगे से हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे, फिर स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को निकाल देंगे, फिर पहले इन दोनों फंदों को हम शिफ्ट करेंगे और फिर इनको शिफ्ट करेंगे। अब इन 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट ये 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। तो जो हमने ये 2 फंदों का एक किया है यहां पे धागा आगे लाकर जाली से ये फंदा बढ़ाकर सेट कर दिया है। अब इसके बाद ये 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से इस रो में हमने इन 12 फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इस साइड के जो ये हमारे 12 स्टिचेस हैं, 12 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस 15th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 16th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हमें 10th, 12th और 14th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की 16th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 17th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में स्टार्टिंग के जो हमारे ये 10 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक ये 10 फंदे बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है जिसके लिए धागा हम आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे डिजाइन के 12 फंदे हैं इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। इन 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट इन 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। इन 2 फंदों को छोड़कर इन फंदों में ऐसे आगे से हम सिलाई को लेकर जाएंगे ऐसे, और फिर इन दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर पहले इन दोनों फंदों को हम शिफ्ट करेंगे, फिर इन फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट ये 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा हम एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर यहाँ पे हमारा जाली से फंदा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक किया है। अब इसके बाद ये हमारे 4 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहां तक इन फंदों को बुनकर कंप्लीट करने के बाद ये फंदा उल्टा है, धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे जो ये 12 फंदे हैं, 12 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की 17th रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 18th रो पर आ जाएंगे।
इस रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम एज इट इज 10th, 12th, 14th और 16th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की 18th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 19th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में स्टार्टिंग के इन 10 फंदों को हमें सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक ये 10 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद धागा हम आगे लेकर आएंगे। ये नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर अब हमारे ये जो डिजाइन के 12 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के इन 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है। अब इसके लिए इन 2 फंदों को छोड़कर इन 2 फंदों में ऐसे हम सिलाई को डालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। पहले इन दोनों फंदों को ऐसे हम शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट कर देंगे। अब हम इन 4 फंदों को सीधा बुनेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। तो जो हमने ये 2 फंदों का एक बनाया है, एक फंदे की कमी यहाँ पे ये धागा आगे लाकर जाली बनाने से कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इस साइड के जो हमारे ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको हम अब सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने यहां तक इन फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट फंदा ये हमारा उल्टा है, धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इस साइड के जो ये 12 स्टिचेस हैं, 12 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस 19th रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 20th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को हमें सेम एज इट इज वैसे ही बुनकर कंप्लीट करना है जैसे हमने 10th, 12th, 14th, 16th और 18th रो को बुना था। तो इस तरह से इस रो को अब हम बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस 20th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 21st रो पर आ जाएंगे। अब हमें यहां से 21st रो से डिजाइन की ये 10 सलाइयां रिपीट करनी है जो हमने 11 से लेकर 20 तक रोज बुनी है। ये 10 सलाइयां अब हम यहाँ 21st रो से रिपीट करते हुए इन फंदों पर बुनेंगे। तो अब ये फर्स्ट रो हमें कैसे रिपीट करनी है ये मैं आपको यहाँ पर बुनकर बताऊंगी। 21st रो में डिजाइन की फर्स्ट रो को रिपीट करने के लिए अब स्टार्टिंग के इन 10 फंदों को तो हमें सीधा ही बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 9 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक हमारे ये 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, इसके लिए धागा हम आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे 12 फंदे हैं, जैसे हमने 11th रो में यहाँ पे डिजाइन को बुना था, इसी तरह से इन 12 फंदों पर डिजाइन की फर्स्ट रो को हम रिपीट करेंगे। तो स्टार्टिंग के 8 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। आठ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये हमारे जो 4 फंदे हैं, इनको हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है। इनको ट्विस्ट करने के लिए स्टार्टिंग के 2 फंदों को छोड़कर नेक्स्ट 2 फंदों में सिलाई को ऐसे हम डालेंगे, फिर इन 2 फंदों को इस तरह से निकाल देंगे, फिर पहले इन दोनों फंदों को सिलाई में ऐसे शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को। अब इन 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से इन 12 फंदों पर डिजाइन की फर्स्ट रो हमने रिपीट कर दी है जैसे 11th रो को हमने बुना था। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर इस साइड के जो हमारे ये 12 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने
ये डिज़ाइन की रो फर्स्ट रो इन फंदों पर रिपीट कर दी है। ऐसे अब हम 21 से लेकर 30 तक, जैसे हमने 11 से लेकर 20 तक रोज बुनी हैं, ऐसे ही 10 सलाइयों को रिपीट करते हुए फिर बुन लेंगे। ऐसे ही 10-10 सलाइयों को रिपीट करते हुए आगे इस पार्ट को अब हम बुनते जाएंगे। डिजाइन की 10-10 रोज को रिपीट करते हुए इस पार्ट को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहाँ तक टोटल 70 रोज 70 सलाइयाँ हमने बुन ली है। जब हमने इस पार्ट को बुना था तो 71 रोज हमने यहाँ पे बुनकर कंप्लीट की थी। फिर रॉन्ग साइड से यहाँ पे आर्म होल के लिए कटिंग की थी, 5 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे। लेकिन इस पार्ट में हमें इस साइड से यहाँ से स्टार्टिंग में ही आर्म होल की कटिंग के लिए स्टिचेस बाइंड ऑफ करनी है, तो इसलिए यहाँ पे ये 70 रोज मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से इस राइट साइड की 71st रो में स्टार्टिंग में हम 5 फंदों को क्लोज कर देंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे पकड़ते हुए इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो ऐसे हम ये 5 फंदे क्लोज कर देंगे। फाइव स्टिचेस को मैंने यहां पे बाइंड ऑफ कर दिया है। अब हमारे पास ये 31 स्टिचेस बच गए हैं, 31 फंदे हैं। अब इन 31 फंदों से हम यहां से राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल 7 रोज बुन लेंगे। 7 सलाइयां जब हम बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर जब हम रॉन्ग साइड की 8th रो पर आएंगे, फिर हमें यहां पे वैसे ही शॉर्ट रो देनी है जैसे हमने यहां पे दी थी। इस तरह से अब यहां तो हमने राइट साइड में शॉर्ट रो दी थी, लेकिन यहां पे हम रॉन्ग साइड से शॉर्ट रो को बुनेंगे। तो अब पहले हम यहां से ये 7 रोज डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग के लिए यहाँ पे 5 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने के बाद यहीं से काउंट करते हुए टोटल 7 रोज 7 सलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम ये जो हमारे इस साइड के 12 फंदे हैं, इन पर शॉर्ट रो को बुनेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। टोटल ये 12 फंदे हमारे बुनकर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आगे के ये फंदे हमें नहीं बुनने, यहीं से टर्न करके हम राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड से फर्स्ट फंदा स्लिप करना है, जिसके लिए हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 11 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इस राइट साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमने शॉर्ट रो रॉन्ग साइड से बुनी है। अब यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए हम 4 सलाइयाँ जब पूरी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे सारे फंदों पर, तो फिर से जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे, हमें फिर ऐसे ही 12 फंदों पर शॉर्ट रो को बुनना है। फिर इसके बाद शॉर्ट रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए जब नेक्स्ट 12 सलाइयाँ हम बुन लेंगे, फिर से रॉन्ग साइड से हमें एक इसी तरह से शॉर्ट रो बुननी है। शॉर्ट रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए नेक्स्ट 12 सलाइयाँ बुनेंगे, फिर हमें एक बार और शॉर्ट रो देनी है। जैसे हमने इस पार्ट में यहाँ पे टोटल 4 बार शॉर्ट रो को बुना है, इस तरह से एक बार तो मैंने ये आपको बुनकर बता दिया, ऐसे ही 3 बार और हम देंगे। एक बार 4 सलाइयाँ बुनने के बाद और 2 बार 12-12 सलाइयाँ बुनने के बाद। तो इस तरह से अब हम इस पार्ट को भी सेम एज इट इज इस पार्ट के इक्विवेलेंट बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम ऐसे इस पार्ट को बुन लेंगे। यहां से 10-10 सलाइयों के इस डिजाइन को रिपीट करते हुए और जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से शॉर्ट रोज को बुनते हुए इस पार्ट को भी मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जब हम यहां से इस साइड से ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो वो हमें 55 नजर आएंगी। तो इस पार्ट को भी सेम एज इट इज इस पार्ट के जितना यहाँ तक हमने बुन लिया है। फिर आगे जिस तरह से हमने ये नेक के इस पोर्शन को यहाँ पे फोल्ड करके आगे ये 2 सलाइयाँ बुनी थी, अब यहाँ से भी हम इसी तरह से बुनेंगे। अब यहाँ से ये जो हमारे स्टिचेस हैं 31, इनको हम 2 पॉइंटेड नीडल में शिफ्ट कर लेंगे। तो इससे हमें यहाँ पे शिफ्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि इस साइड के जो 11 फंदे हैं, फिर इनको हम इजीली उसमें दूसरी सिलाई में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब हम यहां से 11 फंदे दूसरी सिलाई में ट्रांसफर कर लेंगे।
ये 11 स्टिचेस मैंने दूसरी टू पॉइंटेड नीडल में शिफ्ट कर लिए हैं। अब यहां से इनको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इस पार्ट को ऐसे मोड़ना है। तो अब हम यहां से राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए यहां से जो 9 स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 8 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 8 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 8 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक ये 9 स्टिचेस हमने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहां से जैसे हमने यहां से दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेते हुए दो फंदों का एक किया था सीधा बुनते हुए, अब हम यहां से इसी तरह से करेंगे। तो अब हम इस तरह से एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा पीछे वाली सिलाई से लेंगे और सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई में से लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। तो इस तरह से यहां तक ऐसे ही दो फंदों का एक हम बनाते जाएंगे। यहां तक दो फंदों का एक बनाते हुए इस पूरी रो को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारे पास इस पार्ट में भी ये 20 स्टिचेस हो गए हैं, 20 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की इस रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहां तक इस पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा फ्रंट का ये दूसरा पार्ट भी बुनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो बटन होल के बीच में गैप मैंने दिया है वो 20-20 रोज का दिया है। 11th रो में एक बटन होल बनाया, फिर राइट साइड की 31st रो में एक बटन होल बनाया, सेम वैसे ही जैसे हमने 11th रो में बुना था। फिर नेक्स्ट 51st रो पर राइट साइड में फिर से बटन होल बनाया। तो टोटल ये 3 बटन होल इस फ्रंट पार्ट पे हमने दिए हैं। अब ये जो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स थे वो बुनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट बुनेंगे। बैक पार्ट को बुनने के लिए हम 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इतनी ही रोज बैक पार्ट की भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम बैक पार्ट बुन लेते हैं। बैक पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 62 फंदे डालकर दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इस पार्ट की लेंथ को फ्रंट पार्ट के जितना ही बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो फ्रंट पार्ट्स हमने बुने थे इसमें जो ये शॉर्ट रोज बुनी थी इनको हम टोटल रोज में काउंट नहीं करेंगे। यहां से जब आर्म होल वाली साइड से आप ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो ये हमें फ्रंट पार्ट में 56 नजर आएंगे। और एक उल्टी लाइन दो सिलाइयों से मिलकर बनी है तो 56 × 2 इस तरह से टोटल 112 रोज में हमारा ये फ्रंट पार्ट बुनकर कंप्लीट हुआ है। इतनी ही रोज इस पार्ट की भी मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे ये आर्म होल की कटिंग के लिए स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहां तक टोटल ये 70 रोज 70 सिलाइयां बुन लेने के बाद राइट साइड की जब 71st रो हमने बुनी तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आर्म होल की कटिंग के लिए 5 स्टिचेस बाइंड ऑफ करके फिर इस पूरी रो को यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया। फिर जब रॉन्ग साइड की 72वीं सिलाई हमने बुनी तो उसमें भी स्टार्टिंग में 5 स्टिचेस यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिए आर्म होल की कटिंग के लिए। तो इस तरह से दोनों साइड से आर्म होल की ये कटिंग हो गई। टोटल 10 फंदे हमने आर्म होल की कटिंग से यहाँ पे घटा दिए हैं दोनों साइड में। तो अब 52 स्टिचेस जब रह गए तो उनसे आगे के पार्ट को ऐसे ही दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये बैक का पार्ट हमारा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहां से राइट साइड की एक रो बुनेंगे जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे 20 स्टिचेस सीधा बुनेंगे, फिर सेंटर के 12 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे, फिर इस साइड के ये फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से ये राइट साइड की रो हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम स्टार्टिंग के 20 फंदे सीधे बुनेंगे जिसमें से पहला फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 19 स्टिचेस इनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 19 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। यहां तक टोटल ये 20 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अब हम सेंटर में यहाँ पे 12 स्टिचेस 12 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। अब बाइंड ऑफ करने के लिए देखिए स्टार्टिंग में इन 20 फंदों के बाद
नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर ये जो दो फंदों का हमने एक बनाया है, इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से टोटल ये 12 स्टिचेस 12 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। सेंटर में यहाँ पे इन 12 स्टिचेस को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। तो जैसे हम बाइंड ऑफ करते गए, दो फंदों का एक करने के बाद लास्ट में हमारे पास जब 12 फंदे हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिए, तो एक फंदा तो ये है, उसके अलावा इस साइड हमारे ये 19 स्टिचेस हैं। टोटल 20 स्टिचेस हमारे इस साइड के हैं। तो अब इस फंदे को तो हम बुन चुके हैं, अब ये जो हमारे 19 स्टिचेस हैं इनको सीधा बुनकर यहां तक इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की स्ट्रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं क्रोशे के थ्रू फ्रंट और बैक पार्ट के स्टिचेस को बाइंड ऑफ करते हुए इन पार्ट्स को अटैच करूंगी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस रो में सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रंट पार्ट्स के स्टिचेस को भी बाइंड ऑफ करके फिर नीडल के थ्रू इनको स्टिच करके भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्रोशे के थ्रू इन दोनों पार्ट्स के स्टिचेस को बाइंड ऑफ करके अटैच करूंगी। तो उसके लिए ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम ऐसे राइट साइड से ले लेंगे और जो फ्रंट के पार्ट्स हैं इनको इस तरह से पलटकर रॉन्ग साइड से हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। तो ये जो भी हमारी राइट साइड्स हैं वो बीच में आएंगी। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम पलटकर ऐसे रॉन्ग साइड से ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे दोनों फ्रंट पार्ट्स में हमारे 20-20 स्टिचेस हैं और बैक पार्ट में भी दोनों साइड ये 20-20 स्टिचेस हैं, 20-20 फंदे हैं। अब हम क्रोशिए के थ्रू इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करते हुए तब इन पार्ट्स को अटैच करेंगे। क्रोशिए के थ्रू हमें किस तरह से इन पार्ट्स को अटैच करना है इसका मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको सीख सकते हैं कि क्रोशे से हम किस तरह से इन पार्ट्स के स्टिचेस को बाइंड ऑफ करके अटैच करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इनको अटैच कर लूंगी। क्रोशे के थ्रू मैंने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से इस ओपन पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। जब स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे तभी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रख लिया था, इसी थ्रेड में नीडल को डाल लिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। राइट साइड से ही हम इन दोनों पार्ट्स को ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ से इस पार्ट में इस तरह से नीडल को डालेंगे। थ्रेड को यहां पे सेट करने के बाद अब देखिए दोनों पार्ट्स में ये जो उल्टी उल्टी लाइंस हैं इनको मिलाते हुए हमें यहां पे इसकी स्टिचिंग करनी है। एक बार हम यहां पे ऐसे इस उल्टी लाइन के यहां स्टार्टिंग में इस तरह से नीडल को डालेंगे, फिर इस पार्ट में भी ये जो उल्टी लाइन है इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे नीडल को डालेंगे, फिर से इस पार्ट के इस लाइन के स्टार्टिंग में हम ऐसे नीडल को डालेंगे, फिर इस पार्ट की स्टार्टिंग में ऐसे नीडल को डालेंगे। तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे, लाइंस को मिलाते हुए ऐसे ही दोनों साइड में इन पार्ट्स में डालते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से इसकी हम स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड से भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और इस साइड से भी, और बटन्स लगाकर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से स्टिचिंग करके और बटन्स लगाकर मैंने इस बेबी वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनली ये मेजरमेंट में कितना हुआ है इसको मेजर कर लेते हैं। यहाँ से लेंथ में 11 इंचेस और चेस्ट 10 इंचेस। तो अगर आपको ये बेबी वेस्ट पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।